हेलो स्टूडेंट, तो हमने जेई एडवांस के बाद अब हम देखेंगे जेई मेन के पेपर का सॉल्यूशन। सेम वही टॉपिक है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी। फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, आइडेंटिफाई कन्फर्मर ऑफ 2-methylpentane। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पहले कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाए 2-methyl, और इस कंपाउंड का हमें कन्फर्मर बनाना है। तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन को हम चेक करेंगे, तो जैसे यहाँ ऑप्शन को चेक करें तो आगे वाले कार्बन पे 2H हैं और एक CH3 है, पीछे वाले कार्बन पे 2H हैं और एक CH2CH3 है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, जबकि अपने पास कंपाउंड में 6 कार्बन आने चाहिए, तो ये नहीं है। 2-methylpentane मतलब 6 हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद इसकी बात करें तो फ्रंट कार्बन पे एक H है और एक CH3 है और एक CH2CH3 है, ET का मतलब। पीछे वाले कार्बन पे बात करें तो उस पर 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है। तो यहां बात करें तो यहां ये वाली चेन आएगी, तो इसमें बात करें 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां 3-methylpentane है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम ऐसे इसको चेक कर लेंगे, इस ऑप्शन को चेक करेंगे ना, तो देखो यहां पे कार्बन पे, आगे वाले कार्बन पे एक CH3 है, एक CH3 और है और एक CH2CH3 है, पीछे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक है CH2CH3। हमें पूछा है कि 2-methylpentane कहां पे बनेगा, तो यहां से अगर हम बात करें ET की बात करें, तो इसको एक बार वापस से देखते हैं अपन, कि फ्रंट वाले कार्बन पे एक CH3 है और एक H है और एक CH3 है, ठीक है। फिर बैक वाले कार्बन पे जाएं तो वहां CH2H है और CH2CH3 है, तो इसको देखो 2-methylpentane हो गया, तो आंसर इसका आएगा, वो आएगा 4th। नेक्स्ट, एक सिंपल सा है, अमंग द फॉलोइंग ब्यूटेन कन्फर्मर विच अकर एट एनर्जी मिनिमा ऑन ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्सेज डाइहेड्रल एंगल। तो जो ग्राफ चलता है पोटेंशियल एनर्जी और डाइहेड्रल एंगल के बीच, वो ग्राफ कैसा चलता है, तो जो स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। हमें ये पूछा है कि मिनिमा पे कौन मिलेगा, तो इसका जो ग्राफ आता है ना वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो ये वाले तो है मैक्सिमा, और ये जो दो हैं ये वाले कैसे हैं, मिनिमा। तो मिनिमा पे कौन मिलेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, गोच एंड एंटीफॉर्म की, तो आंसर आएगा इसका 3rd। नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर बताना है, फंक्शनल ग्रुप कौन है, यहां पे साइनाइड आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पे चेन जो सेलेक्ट होगी वो ये वाली चेन सेलेक्ट होगी। आपने अगर चेन सही सेलेक्ट नहीं की तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें मिलाना है, तो 2-hydroxymethyl, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो 2-hydroxymethyl हो गया। फिर ये हो गया 2 नंबर पे, ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया, हेक्स 5 आयन नाइट्राइल, तो एक ऑप्शन तो ये सेट हो रहा है, ऑप्शन 3rd भी सेट हो रहा है, बट यहां अल्फाबेटिकली ऑर्डर में M है और ये H है, तो H पहले आएगा, तो 3rd गलत है, क्योंकि यहां अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, तो आंसर इसका जो जाएगा 2nd जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, यहां बात करें तो मेन चेन, तो पेरेंट चेन तो बेंजीन की बन जाएगी, आईपीसी नेमिंग हमें सेलेक्ट करना है, तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है अपना, तो इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, तो 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, ब्रोमो कहीं नहीं है इस ऑप्शन में, है 2 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2nd। नेक्स्ट, यहां हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक, तो देखो ये वाली जो है वो एरोमेटिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है, ये पेरीफेरी पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे, और ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 12 एनुलिन है, तो 12 एनुलिन तो क्या होती है, नॉन एरोमेटिक होती है, नॉन एरोमेटिक इसलिए होती है क्योंकि नॉन प्लेनर होता है। इसकी बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगी,
एरोमेटिक हो जाएगी। और इसकी बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये 16 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। तो हमें पूछा है एरोमेटिक कौन सी है, तो एरोमेटिक अपने पास एक तो ए है और एक सी है। ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ए एंड सी, तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है फर्स्ट, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। हमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, तो ए और सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वांडरवाल्स फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड ऑफ, अच्छा वांडरवाल्स फोर्स, तो वांडरवाल्स फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, वांडरवाल्स फोर्स आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो यहां देखें इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन है, 1, 2, 3, 4 यहां 4 कार्बन है, यहां पे भी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन वाले का ज्यादा रहेगा, अब इसमें मोर ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा, वांडरवाल्स फोर्स कम हो जाएगा। इसमें भी ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट वांडरवाल्स फोर्स किस में होगा, फोर्थ में होगा। नेक्स्ट, यहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब होता है जो इजीली लोन पेयर डोनेट करता हो, तो यहां पे ये अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है वो जीटीएस है, ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर, मतलब कॉन्जुगेटेड एसिड जो होगा वो स्टेबल होगा बाय इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मोस्ट बेसिक तो ये वाली हुई, यहां से ये बेसिसिटी शो करेगा, देख लें आप, यहां से बेसिसिटी शो करेगा, एन एच पॉजिटिव यहां आएगा और ये डबल बॉन्ड है, यहां एन है और यहां एन एच है, तो ये इससे भी रेजोनेंस शो करेगा और इससे भी रेजोनेंस शो करेगा, तो मोस्ट बेसिक जो होगा वो सेकंड होगा, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, कायरल किसको बोलते हैं, पीओएस या फिर सीओएस, POS and COS क्या होनी चाहिए उसमें, एबसेंट होनी चाहिए। तो इस यहां बात करें सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड की, तो फर्स्ट कंपाउंड की हम बात करेंगे, तो फर्स्ट कंपाउंड में यहां COS क्या है, प्रेजेंट, ये देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पे प्रेजेंट है। इसमें बात करें तो ये तो रेजोनेंस में है, ये वाला कायरल सेंटर है, इसमें बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट है, POS, और इसमें भी क्या प्रेजेंट है, POS, तो इसका मतलब हमारे पास कायरल कंपाउंड जो होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट, हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर आइडेंटिकल, कि इनमें से कौन से कंपाउंड आइडेंटिकल है, तो अगर बात करें यहां से, ठीक है, तो आइडेंटिकल की हम बात करें तो देखो इसमें ये POS हो सकती है, ओके, और इसमें ये POS हो सकती है, तो ये दोनों ही कैसे हैं, मीजो और मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि इसमें भी प्लेन लग रही है, इसमें भी प्लेन लग रही है, ये भी ऑप्टिकली नेगेटिव है, ये भी ऑप्टिकली नेगेटिव है, ना तो इसमें प्लेन लग रही ना इसमें प्लेन लग रही, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल तो पेयर ऑफ डाइस्ट्रोमर है, ये पेयर ऑफ डाइस्ट्रोमर है, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर, तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा सेकंड, और फोर्थ इक्वल है तो आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉन्ड एनर्जी फॉर सी एच बॉन्ड इन दीज कंपाउंड, ठीक है, तो यहां बॉन्ड एनर्जी की बात की तो हम रेडिकल बनाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की है तो रेडिकल बनाएंगे, तो यहां जो फर्स्ट में जो बनेगा वो बनेगा आपके पास ये वाला रेडिकल, और सेकेंड में जो बनेगा वो वाला बनेगा ये वाला रेडिकल, और थर्ड में जो बनेगा वो बनेगा ये वाला रेडिकल, तो थर्ड वाला रेडिकल जो है वो लॉन्ग रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, इसमें ये दोनों डबल बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें केवल एक डबल बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, यहां रेजोनेंस है ही नहीं, तो जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी चाहिए। तो हमें पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हो गई अक्स की, फिर हो गई वाई की, और सबसे कम किसकी हो गई, जेड की, ऐसा ऑप्शन थर्ड है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है ड्यू टू, ये दा है हाईएस्ट पीके, तो हाईएस्ट पीके का मतलब ये हुआ कि एसिडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है
किसके, पीके के, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीके मिनिमम होगा। हमसे ये पूछा हुआ है कि हाईएस्ट पीके किसकी होगी, तो जो मिनिमम एसिडिक नेचर का होगा, तो मिनिमम फर्स्ट वाला है, इसमें NO2 का माइनस R लग रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ा है, इसमें NO2 का माइनस R लग रहा है तो ये भी एसिडिक नेचर बढ़ा है, इसमें NO2 का ऑर्थो इफेक्ट लगा है, माइनस R भी थोड़ा बहुत काम कर सकता है, तो इसलिए ये एसिडिक नेचर बढ़ा है। तो सबसे लीस्ट एसिडिक फर्स्ट है, तो पीके जो मैक्सिमम होगी वो होगी फर्स्ट की। नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन इलेक्ट्रोफाइल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो ये AlCl3, SO3, Cl+, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और Cl पे पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो देखो इसका क्या लगने वाला है, इसका माइनस आर लगने वाला है, इसका क्या लगने वाला है, प्लस आर लगने वाला है, इसका क्या लगने वाला है, प्लस एच लगने वाला है, इसका भी क्या लगने वाला है, प्लस आर लगने वाला है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी होती है, प्लस आर की। तो प्लस आर ऑक्सीजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का ज्यादा, नाइट्रोजन का ज्यादा तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, फोर्थ में होगा, फिर सेकंड में होगा, फिर किसमें होगा, थर्ड में होगा, और सबसे कम किसमें होगा, फर्स्ट में होगा। तो ऑर्डर ऐसा अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑर्डर हमें मिलेगा फोर्थ में, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो देखो बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कॉन्जुकेटेड बेस वीक, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां अपन को जो दिया हुआ है NH2- का एसिड बनेगा वो बनेगा NH3, OH- का जो एसिड बनेगा वो बनेगा H2O, और OR- का जो एसिड बनेगा वो बनेगा ROH, और RCO- का जो एसिड बनेगा वो बनेगा RCOH। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुकेटेड बेस वीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, RCOH है, उसके बाद H2O है, उसके बाद ROH है, उसके बाद NH3 है। ये ऑर्डर किसका है, ये ऑर्डर है एसिडिटी का। तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब RCO- जो है वो सबसे वीक बेस होगा, फिर OH- होगा, उससे स्ट्रोंग RO- होगा, और स्ट्रोंगेस्ट जो बेस होगा वो होगा NH2-। ऐसा पेयर अगर हम सर्च करें तो ऐसा पेयर हमको मिलेगा सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Among the following which is most reactive for AgNO3। तो देखो हैलाइड की रिएक्शन जब AgNO3 से करवाते हैं तो साइड में Ag अक्ष की PPT बनती है, और साइड में इधर आपके पास बनता है कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ आप देखोगे तो ये कार्बोकेटाइन जो बना है वो कार्बोकेटाइन कौन सा बना है, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, जो कि मोस्ट स्टेबल है, तो आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज नेग्लिजिबल इनोल कंटेंट। तो देखो अगर ये कंपाउंड इनोल बनाता है तो इसका मतलब ये इनोल जब बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड OH और ये O। अब देखो ये कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, और जब कंपाउंड में एंटी एरोमेटिसिटी आएगी तो वो इनोल क्यों बनाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो लेस स्टेबल होते हैं, तो सबसे नेग्लिजिबल कंटेंट जो है वो किसका होगा, फर्स्ट का। नेक्स्ट, यहां हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नेगेटिव हीट ऑफ कंबसन, मतलब सबसे कम हीट ऑफ कंबसन किसका है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हैव लिस्ट नेगेटिव हीट ऑफ कंबसन, बट हीट ऑफ कंबसन आल्सो डिपेंड ऑपन नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन तो सब में सेम है, इसमें भी वही कार्बन है, इसमें भी कार्बन सेम है, तो इसका हम कंफर्मर चेक करेंगे, और कंफर्मर हम चेक करेंगे तो वो करेंगे चेयर फॉर्म में। किस फॉर्म में चेक करेंगे, चेयर फॉर्म में। मोस्ट बल्की ग्रुप गोज इक्वेटोरियल पोजिशन, और ये ईटी चला गया इक्वेटोरियल पे, फिर ये 1-2 ट्रांस है तो ये मिथाइल भी कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि 1-2 ट्रांस होता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। फिर ये 1-3 जो है ये 1-3 ट्रांस है, और 1-3 ट्रांस का मतलब होता है एक इक्वेटोरियल पे जाएगा, दूसरा एक्जियल पे जाएगा। तो यहां दो इक्वेटोरियल पे है, एक एक्जियल पे है, मोस्ट स्टेबल यही आने वाला है। इसी वजह से आपको सारे चेक करने हैं, ऐसे चेक करोगे तो आंसर जाएगा आपका 4।
जो कि सबसे मोस्ट स्टेबल है, इसलिए इसका सबसे कम हीट ऑफ कंबसन होगा। नेक्स्ट, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, द आईपीएसी नाम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कि इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम क्या है, तो वो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे यहां ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे ये जो चेन बनेगी अपनी ये वाली चेन बन जाएगी, तो यहां से नंबरिंग हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो दो नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे एमिनो है, तो एमिनो का आप देखें तो 3 नंबर पे, तो ऐसा ऑप्शन मैंने एक ही दिया है, तो ये वाला थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहां आपसे पूछा है कि कंपेरेटिव रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनचार्ज स्पीसीज आर मोर स्टेबल, तो इसका मतलब ए जो है वो अनचार्ज है, तो ए तो मोस्ट स्टेबल रहेगी। फिर ये सभी चार्ज हैं, तो इनमें देखते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें कितने हैं, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें भी कितने हैं, 8 है। तो 8 वाली डेफिनेटली क्या रहने वाली है, ज्यादा स्टेबल रहने वाली है। तो अब 8 यहां भी है, यहां भी कार्बन का, सभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर हमने बोला कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर नेगेटिव चार्ज, तो इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर उसके बाद डी होगा, उसके बाद सी होगा, सबसे कम कौन सा होगा, बी। ऐसा ऑप्शन अगर हम सर्च करें ए डी सी बी, तो ऐसा आंसर है थर्ड, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहां हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन होगा जिसमें POS या फिर COS क्या होगी प्रेजेंट, तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म है ऑप्टिकल ऑक्टीन की, ट्रांस ऑक्टीन है ये, तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिव है, इसमें कोई कार्बन सेंटर नहीं है, मोलिकुलर ये वाला पूरा प्लेन है, तो इसमें POS क्या हो जाएगी प्रेजेंट। ये भी बता दूं कौन सी POS है, इसमें मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, देयर इज नो कार्बन सेंटर, सिस 1-2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये वाला हो गया, इसमें भी प्लेन प्रेजेंट है, यो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब ये वाला देखो, ये sp3 है, ये वाली प्लेन इसमें नहीं लगेगी, दोनों पार्ट सेम नहीं है, गौर से देखिए आप, ये दोनों पार्ट सेम नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है। हमें पूछा है ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है, तो वो होगा बी एंड सी, आंसर ऑप्शन सेकंड है, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका सेक्शन ए का, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। पूछा नंबर ऑफ एमीन आइसोमर ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो एमीन आइसोमर बताना है, तो एमीन हमें पता है 1 डिग्री बनता है, 2 डिग्री बनता है और 3 डिग्री बनता है, और हमें केवल स्ट्रक्चर बतानी है, तो यहां 4 कार्बन है, 4 कार्बन को लिखने का तरीका कितना तरीके से हो सकता है, 4 वे से, तो 4 तो हो जाएंगे 1 डिग्री। अब NH में इधर मैंने एक बार 3 कार्बन लगाया, इधर 1 कार्बन लगाया, तो अब 3 कार्बन को लिखने का वे कितना हो गया, 2 वे, फिर मैंने NH और इधर भी C2 और इधर भी C2, तो यहां से कितने बने, 2 यहां से, 1 यहां से, 3 यहां से, और 3 डिग्री जो बनेगा वो कार्बन 2, 1 और 1, तो यहां 1 ही बनेगा, तो यहां टोटल कितने आएंगे, 8, तो आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट, एक सिंपल सा है, टोटल नंबर ऑफ काइरल सेंटर प्रेजेंट इन अबव कंपाउंड, तो यहां पे देखो एक काइरल सेंटर ये वाला हो गया, एक काइरल सेंटर ये हो गया, क्योंकि ये भी क्या है sp3 है, और एक यहां लोन पेयर है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो यहां पे एक इसमें है और 2 इसमें है, तो 1+2 मतलब यहां आंसर आएगा 3। नेक्स्ट पूछा है टोटल नंबर ऑफ काइरल सेंटर इन एमोक्सिलिन व्हिच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, इसमें काइरल सेंटर कैलकुलेट करने, तो ये तो बहुत इजी सा प्रोसेस है, एक काइरल सेंटर ये वाला हो गया, एक काइरल सेंटर ये वाला हो गया और एक काइरल सेंटर ये वाला हो गया, मतलब यहां का नंबर ऑफ काइरल सेंटर कितने हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट, हाउ मेनी एमाइड आर पॉसिबल फॉर C4H9ON, इस कंपाउंड के लिए हमें पॉसिबल एमाइड निकालने हैं, तो एमाइड में हम देखो क्या कर सकते हैं, एक तो ये हम ये बना सकते हैं कि CONH2 मैंने इधर लगाया, तो अब मेरे पास पीछे कार्बन बच गए 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 वे से। दूसरा मैं इधर क्या कर सकता हूं, ये CO और ये NH, एक कार्बन इधर लगा सकता हूं, अब मेरे पास कार्बन बच गए 2, तो एक प्रोसेस हो गया ये वाला। फिर मैं क्या कर सकता हूं कि एक कार्बन इधर लगाऊं और इधर कितने लगा सकता हूं, 2 कार्बन, तो एक प्रोसेस हो गया ये वाला।
अब इसके बाद यहां मैं सी ओ और इधर मैं लगाता हूं एच, लगाता हूं सी ओ एन और ये एच। अब मैं चारों कार्बन इधर लगा सकता हूं सी फोर, तो इसके वे कितने हो जाएंगे, फोर वे, क्योंकि हमें ये फिक्स नहीं किया कि कौन सा एमाइड बनाना है। सॉरी, यहां पे हमारे पास तीन ही कार्बन बचे तो तीन ही लगाएंगे, तीन ही कार्बन बचे हैं तो इसके वे हो गए अपने पास टू वे। या फिर मैं यहां एच सी ओ एन, यहां पे एक कार्बन लगा सकता हूं, फिर दो कार्बन लगा सकता हूं, ऐसे भी लगा सकता हूं, या फिर एच सी ओ एन एच और इधर मैंने लगाए हैं, यहां पे दो कार्बन हो गए, तीन कार्बन, तीन कार्बन को दो वे से लिखा जा सकता है, यहां पे दो वे आ गए तो टू ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया चार, दो ये छह बन गया, एक सात और एक अपने पास सी थ्री को लिखने के दो हो गए, छह और एक सात। एक प्रोसेस और आएगा यहां पे, ये दो और एक तीन चार, एच सी ओ और यहां पे एन एच, एक कार्बन इधर लगा दो और इधर लगा दो आप तीन कार्बन, ये वाला प्रोसेस अपने पास आया नहीं है, सी ओ एन एच सी एच थ्री, एक कार्बन इधर लगा दो तो इधर आपके पास बच के कार्बन दो, ये वाला प्रोसेस अपने लिखा नहीं है। तो टोटल कितने बन जाएंगे इसके, एट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइनल क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर C7H14 ओनली फाइव मेंबर रिंग इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करते हुए आपको फाइव मेंबर रिंग बतानी है कितनी बनेगी। तो देखो इधर फाइव मेंबर रिंग में अब दो कार्बन बाहर आ गए तो दो को ऐसे लगा सकते हैं, उसके बाद दोनों कार्बन को मैं एक साथ मिथाइल के रूप में लगा सकता हूं, यहां पे मैं दोनों कार्बन को 1-2 पे लगा सकता हूं और जब 1-2 पे लगाऊंगा तो एक सिस बनेगा और दूसरा ट्रांस बनेगा। तो सिस तो क्या होगा इसमें, तो POS क्या होगी प्रेजेंट और ट्रांस की क्या बन जाएगी मिरर इमेज। तो यहां से टोटल कितने बनने वाले हैं, तीन बनने वाले हैं। उसके बाद यहां से बात करेंगे तो ये और ये, तो ये भी दो काइरल सेंटर हो गए, तो आर आर आ सकता है, एस एस आ सकता है और आर एस आ सकता है, तो इसके भी कितने बन जाएंगे तीन। तो तीन तीन यहां से, तीन तीन सिक्स सेवन और एक एट, तो इसका आंसर भी कितना आएगा एट। तो ये था जेईई मेन का पेपर। ओके, थैंक यू।